हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं यूपीपीएससी एई की तैयारी करवा रहा हूं और ये कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा है। प्रैक्टिस सेट वन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस परीक्षा को कौन करवाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को करवाता है और यूपीपीएससी एई के नाम से ये परीक्षा फेमस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊँगा। आज फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। इस वीडियो में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और इसके बाद ये एक सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी और आपकी पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर वन है, फ्लूड इज ए सबस्टेंस। फ्लूड किस तरह का सबस्टेंस होता है? तो ये होता है कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। किसी भी प्रकार का कोई भी शियर फोर्स अगर इसके ऊपर लगता है, फ्लूड के ऊपर, तो वह जो है रेस्ट में नहीं रह सकता, वो मूव कर जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई शियर फोर्स लगेगा तो मूव कर जाएगा। फ्लूड होता क्या है? फ्लूड में आते हैं आपके लिक्विड एंड गैस। लिक्विड भी आती है और गैस भी आता है, ये दोनों मिला के फ्लूड बनते हैं। तो फ्लूड को अगर आप किसी भी सबस्टेंस में रखेंगे तो उसके ऊपर अगर शियर फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स मतलब इस तरह का फोर्स लगाएंगे आप, तो ये मूव करेगा, अपने जो है रेस्ट कंडीशन में नहीं रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, फ्लूड इज ए सबस्टेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। क्या चीज़ चेंज नहीं होता है इसमें? इसमें शेप चेंज नहीं होता है, शेप चेंज करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं करता है। इसके ऊपर आप यहाँ प्रेशर डालिए, इसके अंदर गैस भरी है, मान लीजिए बैलून है, ये बैलून के अंदर गैस भरी हुई है, या एक ये बैलून है इसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ है, तो इसके ऊपर जब हम कोई फोर्स डालेंगे, इसके ऊपर शेप को चेंज करने में मतलब किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं करता है। यहाँ से हमने फोर्स डाला, ये दब गया तुरंत, यहाँ से धक्का मारा, ये दब गया तुरंत यहाँ से, तो किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ये नहीं करता है शेप को चेंज करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल फ्लूड्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकल फ्लूड्स जो होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें, प्रैक्टिकल फ्लूड्स जो होते हैं वो प्रोसेस ऑल दी एबव प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज एबव की? विस्कस होते हैं, सरफेस टेंशन उसके अंदर होती है, कंप्रेसिबल होते हैं। तो प्रैक्टिकल फ्लूड्स के अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? विस्कोसिटी होती है, विस्कस होते हैं मतलब वो फ्लूड, और सरफेस टेंशन उसके अंदर होती है, और कंप्रेसिबल होते हैं वो। तो ये तीनों प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल फ्लूड्स में होती हैं। स्टैटिक फ्लूड में क्या होता है? स्टैटिक फ्लूड में ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वही केवल इसके अंदर रह सकता है। आगे जो दिया गया है ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इन स्मॉल, ये गलत है। स्ट्रेस को शियर करने मतलब शियर स्ट्रेस को सस्टेन करने में रेजिस्टेंस ये नहीं करता है, यहाँ पे लिखा है करता है। फ्लूइड प्रेशर इज जीरो, फ्लूइड प्रेशर जीरो नहीं होता है इसका। लीनियर डिफॉर्मेशन इस्तेमाल, लीनियर डिफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं होता है। अगर जिस तरह से फोर्स लगेगा उसी तरह से डिफॉर्मेशन इसमें होगा। तो इसका आंसर क्या है? ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, ऑप्शन डी सही है। ए फ्लूड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज आइडियल। कब होगा भाई? जब इसके अंदर जो है कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर नहीं होगा तब आइडियल होगा, विस्कोसिटी इसके अंदर नहीं होगा तब आइडियल होगा, यानी कि इनकम्प्रेसिबल एंड इन विस्कस, इसके ये दोनों सही हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ई नहीं है, कट गया है ये, ऑप्शन ई में होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल और इन विस्कस। जब ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो फ्लूड को आइडियल फ्लूड माना जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में आता है, एग्जाम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको जेई लेवल से लेके यूपी पीएससी के एग्जाम तक इस प्रश्न को देख सकते हैं, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। किस चीज़ को फुलफिल करता है आइडियल फ्लूड? तो आइडियल फ्लूड क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन को फुलफिल करता है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद का प्रश्न है, इफ़ नो रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड बाई डिसप्लेसमेंट सच ए सबस्टेंस नोन एज, किस तरह का सबस्टेंस माना जाएगा? आइडियल फ्लूड माना जाएगा। कब आइडियल फ्लूड माना जाएगा? जब कोई रेजिस्टेंस जो है इनकाउंटर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो वो आइडियल फ्लूड माना जाएगा।
द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूड कॉज्ड बाय ए रेजिस्टेंस इज नोन एज, आप वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो होता है फ्लूड का एक रेजिस्टेंस लगने के कारण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ये एक फ्लूड है, इसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है, गैस लिक्विड कुछ भी भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पे दबाव डालेंगे इसके ऊपर, तो इसके वॉल्यूम में चेंज होगा, ये गैस यहाँ से दबेगी तो इसका शेप जो है शेप चेंज होके ऐसे हो सकता है, इसका शेप ऐसे, देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर डाला तो ये चीज़ दबा तो ये चीज़ यहाँ फैल के निकल आएगी, कहीं ना कहीं से फैल के निकल आएगी, मतलब उसका शेप जो होगा चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आगे क्या दिया है, लिक्विड, लिक्विड क्या चीज़ होते हैं भाई, लिक्विड में क्या है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये लिखा है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। दूसरा है ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम आर नॉन अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट विस्कस, तो ये सारी चीज़ें तो गलत लिखी हुई हैं इसके बारे में, तो नन ऑफ द एबव सही हो जाएगा लिक्विड के बारे में। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन केजी सेकेंड वॉल्यूम मीटर फोर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया है, तो ये कितना होगा, 101.9 होगा। इस तरह के प्रश्नों को केवल रट लेना चाहिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अगला प्रश्न है, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड, ये जो मॉलिक्यूल है फ्लूड के अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोहेसन, कोहेसन मतलब एक तरफ ही आना, अट्रैक्ट होना, एडहेसन मतलब होता है दूर जाना, तो ये कोहेसन की प्रॉपर्टी होती है। आगे क्या दिया है अगले प्रश्न में, मर्करी डज नॉट वेट ग्लास ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के कारण जो मर्करी होती है वो ग्लास को भिगोती नहीं है, उसका जो सरफेस होता है उसको नहीं भिगोती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड विच इनेबल्स इट टू रिसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस इज नोन एज, टेंसाइल स्ट्रेस को जो रिसिस्ट करती है उसको बोलते हैं कोहेसन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है 14वें प्रश्न में। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड बाई विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूड्स आर अट्रैक्टेड टू, तो जो ये अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूड्स जो है उसको एडहेसन बोलते हैं, और जब सेम होते हैं सेम टाइप के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं कोहेसन, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो गया एडहेसन। एडहेसन और कोहेसन में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आते रहेंगे आपके एग्जाम में। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter, तो ये स्पेसिफिक वेट जो है किसका है, एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ 760 mg, 760 mm जो नॉर्मल प्रेशर रखा जाता है वाटर का, तो कितना रहेगा स्पेसिफिक वेट, 1000 kg per meter रहेगा, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाएगा तब भी यही रहेगा, और एट मीन लेवल सी पे भी यही रहेगा, तो स्पेसिफिक वेट जो है वाटर का वो चेंज नहीं होता है, चाहे कि टेम्परेचर आप 4 डिग्री पे रखें या 760 mm नॉर्मल प्रेशर पर रखें, तो ये कभी चेंज नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट इज इक्वल टू, देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपके किसी काम के हैं नहीं, खैर इस परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन डिप्लोमा वालों की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक किनारे से ही कंप्लीट करवा दे रहे हैं पूरा। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से डायमेंशन लेस कौन सी चीज़ है, जिस मतलब जिसमें डायमेंशन है ही नहीं, तो स्पेसिफिक वेट दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक स्पीड दिया है, ग्रेविटी दिया है, विस्कोसिटी दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है। अगला प्रश्न है, जी नॉर्मल स्ट्रेस इन ए फ्लूड विल बी कॉन्स्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट ओनली इफ, तो ये कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, इसमें होगा इट इज इनकम्प्रेसिबल होगा,
अगर ये इनकम्प्रेसिबल होगा तब भी होगा, इट हैज़ यूनिफॉर्म विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यूनिफॉर्म होगी तब भी होगा, और जीरो विस्कोसिटी होगी तब भी चलेगा, इट इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस होगा तब भी चलेगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। और अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड विल नॉट बी सेम एट ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूड जब मूव करेगा या विस्कस होगा या विस्कस एंड स्टैटिक होगा और इन विस्कस या फिर मूविंग होगा, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब फ्लूड जो है प्रेशर जो है उसको सभी डायरेक्शन पर नहीं लगेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी विस्कस एंड मूविंग में नहीं लगेगी, विस्कस एंड मूविंग में ये चीज़ नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये आज हमने आपको 20 प्रश्न करवाए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शुरुआती लेवल था, तो लेवल हमने बहुत ज़्यादा अभी टफ नहीं रखा है, धीरे धीरे हम लेवल को टफ करते जाएंगे। और आप चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियो आपको रोज़ मिलते जाएंगे और यूपीपीएससी एई की तैयारी हम करवा देंगे आपकी पूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।